ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का छत्तीसगढ़ में है ये सेमरसोत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज के सवाल है जेजक भुक्ति इन अर्ली मेडिवल इंडिया किस रीजन को कहा जाता था विच बैटल प्रूवड डिसाइजिव इन द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया इनके बीच में वॉर हुआ था इंडिया को अपने अंडर करने के लिए एंग्लो एंड फ्रेंच तो किस बैटल में एक फाइनल कॉन्क्लूजिव डिसीजन आया राइवलरी का एंग्लो फ्रेंच बैटल इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट विच लोकेशन परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट बंगाल में आया था इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था किसने कहा है एट द स्ट्रोक ऑफ मिड नाइट वेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया अवेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम हु स्टार्टेड द हुआ न्यूज पेपर इन इंडिया सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबलरी है एम्बार्गो यूएस से एसेंशियल मटेरियल वैक्सीनेशन का एम्बार्गो टेक्नोलॉजी में भी अक्सर हम ये वर्ड यूज करते हैं एम्बार्गो इम्पोज एन ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड और अ कंट्री और कमोडिटी एक बैन लगा हुआ है ट्रेड करने के लिए या फिर कुछ डिस्क्लोज करने के लिए दैट इज़ एम्बार्गो कॉन्ग्रीगेशन है असेंबली ऑफ पर्सनस है गैदरिंग स्पेशली कोविड नाइन्टीन में नहीं करना है जुडिशियज है रिसोर्सेज लिमिटेड है जुडिशियज यूज़ करें हैविंग शोइंग और डन विद गुड जजमेंट और सेंस योर टाइम इज लिमिटेड ऑगमेंट ऑगमेंट का मतलब होता है मेक समथिंग ग्रेटर बाय एडिंग टू इट तभी हम ऑगमेंटेड रियलिटी होती है मतलब एक रियलिटी है उसमें एक्स्ट्रा नए और क्रीचर्स दिख रहे हैं तो दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल अलग होता है इन द पाइपलाइन इन द पाइपलाइन पाइपलाइन मतलब डिसीजन वो होने वाला है ऑन द वे है अभी हुआ नहीं है ऑन द वे so these are some vocabulary words if you come across any other important word write down that word along with its meaning in the comment section down below see vocabulary achhi karna bahut zaruri hai hum aksar galat use karte hain words ka out of context karte hain jo word एक शब्द में हम जो बात कह सकते हैं उसके लिए हम पूरा sentence use करते हैं तो अगर आपकी vocabulary strong होगी तो आप ज्यादा verbose नजर नहीं आओगे writing होती है ना verbosity कम होगी सो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड कमांड इन वोकेबुलरी जो आप बोलना चाहते हो उसके लिए सही शब्द हो आपके पास दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन कोविड अपडेट पर्सनल टच ये बड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दिस इज वायरल लोड एडिटोरियल अ ग्रीन पार्टनरशिप एंडेवर लीडरशिप एंड द स्टोरी ऑफ नेशन दिस इज ऑगमेंटेड वैक्सीनेशन ड्राइव जुडिशियल फेडरलिज्म ए बी सी एटीट्यूड फॉर्मेशन फेलिंग टू प्रिपेयर इज प्रिपेयर टू फेल सीरिया साइबर स्कीम दिस इज वैक्सीनेशन ये अर्मेनियन है 1915, ये भी news में, इसको हम क्विकली देखेंगे ये यमन है यह है नरसिम्भम समिति की रिपोर्ट वन एंड टू और यह सी सेट के कुछ आंसर एंड सवाल सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनटरेंस मटीरियल इज दिस दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन सी कोविड नाइन्टीन वी ऑल नो सिचुएशन अभी भी उतना इम्प्रूव नहीं हुआ है सो विल जस्ट क्विकली एटीन फोर्टी फोर एज है मे गेट जैब्स इनको वैक्सीनेशन मिलेगा पर केवल प्राइवेट फैसिलिटीज से और जो फोर्टी फाइव प्लस है उनको पहले की तरह गवर्नमेंट फैसिलिटीज से कंटिन्यू होगा कोविन है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है ये ई e प्लेटफॉर्म है जिसपे आप रजिस्टर करा सकते हो और वैक्सीनेशन का अपना स्लॉट बुक कराइए वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन आपको कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शन से अगर बचा भी नहीं पाए तो एटलीस्ट चीज़ वर्जन होने से तो जरूर बचा लेगी सो गो गेट वैक्सीनेटेड दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ रहा है दिस इज ओडिशा नाउ दिस इज द प्रॉब्लम पहले कोविड शहरों में था अब ये गांव गांव में जा रहा है बिग कॉज ऑफ वरी रशिया टू फ्लाई इन एड टू इंडिया ऑक्सीजनरेटर ऑक्सीजन जनरेटर कॉन्सेंट्रेटर और मेडिसिन ये चीजें रशिया देने की बात कर रहा है मीन वाइल का बहुत क्रिटिसिजम हो रहा था कल यूएसए को जरूरत थी तो हमने एच सप्लाई किया अभी यूएस के पास एक्सेस रखा है एस्ट्राजेनेका वैक्सीनेशन यूएस के पास इतनी वैक्सीनेशन है कि वो पूरी पॉपुलेशन को तीन बार वैक्सीनेट कर सकता है बट स्टिल रिलकटेंट नजर आया अभी उस पर क्रिटिसिजम हुआ तो फिलहाल के लिए तो यूएस बोल रहा है कि वैक्सीन का रॉ मटेरियल हमें देगा लेट सी दिस इज अबाउट दिल्ली एक्सटेंड्स लॉकडाउन इसलिए रशिया को ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड भी कहा जाता है देन दिस इज साउथ रशिया ही नहीं यू ने भी काफ़ी हेल्प के लिए भेजा है फ्रेंच ने काफ़ी सपोर्ट दिया है बिकॉज जब हमारे यहाँ केसेस कम थे तो हमने सबकी बहुत मदद की वैक्सीन मैत्री के थ्रू हमने अपनी वैक्सीनेशन भेजा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि चीज़ें एकदम से इतनी बुरी हो जाएगी इस चीज़ को कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है मार्च में दस हजार केस भी नहीं थे अप्रैल में अचानक ये बढ़ के साढ़े तीन लाख हो गए तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी बट अब इससे बच भी नहीं सकते एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब भी यही होता है कि आप प्रिडिक्ट कर पाओ प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व कर रहे हैं बट हम प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाए हमने अपना होमवर्क कहाँ हम चूक गए ये बात अब कोविड पहले हम इसको डील करते हैं बाद में फिर इसको सोचेंगे कि इसको कैसे बेटर करें प्रॉब्लम में दो सॉल्यूशन होते हैं एक होता है इमीडिएट कोविड को सॉल्व करो जितनी लाइव्स बचा सकते हैं बचाएं सेकंड लॉन्ग टर्म फिर हम प्लानिंग करें कि दोबारा ये रिपीट नहीं हो नेविगेटिंग द अनसर्टैनिटी दिस इज़ अबाउट करियर करियर में अभी काफ़ी अनसर्टैनिटी है क्लास टेंथ के रिजल्ट फिर क्लास टेंथ का एग्जाम ही नहीं हुआ इंटरनल इवेलुएशन वग़ैरह से उनको पास कर दिया जाएगा क्लास ट्वेल्व में भी अब ये देखिए सिविल सर्विसेज ई पी एफ ओ के भी एग्जाम्स लेटेस्ट सी सिचुएशन अगर ऐसे ही चला तो फिर अगेन लास्ट ईयर का रिपीट हो सकता है लेटेस्ट सी वेयर इज द पर्सनल टच ना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी हम देखते हैं जैसे आप किसी छोटे बच्चे से पूछो वो प्राइमरी स्कूल में गया है सेकेंडरी स्कूल में गया है तो उसकी टीचर मैम ने जो बोला वो ही एकदम करेक्ट बात है तो जो टीचर्स होते हैं ना ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना ये टीचर्स का फुटस्टेप काफ़ी फॉलो करते हैं इसीलिए ज़रूरी होता है कि टीचर हमेशा एक राइट एग्जाम्पल सेट करे टीचर का, का काम केवल ये नहीं होता है कि वो बता दे कि दिस इज़ ए इज़ इक्वल टू बी ये ऐसा होता है ऐसा होता है नो टीचर इज अ पर्सन हु शुड इंस्पायर इंस्पायर करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि आप अपना बेटर वर्जन निकालो इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग योर सेल्फ इट्स अबाउट मेकिंग योर बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इंस्पायर करो राइट एग्जाम्पल सेट करो मोटिवेट करो एनकरेज करो एक डायरेक्शन दो बिकॉज यू नो बच्चे वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं हर जो नई जनरेशन आती है ना वो प्रीवियस जनरेशन से बेटर होती है यू गाइज आर फार फार बेटर देन मी द पॉइंट इज टीचर का रोल ये होता है कि वो उनको मोटिवेट करके एक डायरेक्शन बताए ऑनलाइन एजुकेशन बिकमिंग द नॉम सटल लेसन दैट स्टूडेंट लर्न फ्रॉम देयर टीचर्स आर लॉस तो अभी ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है ओवर कमर्शलाइजेशन भी हो रहा है तो सवाल ये उठता है कि जो एक टीचर और स्टूडेंट का एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप रहा है हमारे यहाँ बहुत रेस्पेक्टेबल चीज़ होता है ये जो रिलेशन टीचर एंड स्टूडेंट का तो क्या ये कहीं खोता जा रहा है ओवर कमर्शलाइजेशन क्या या ये केवल कंज्यूमरिज्म बनता जा रहा है कि गिव एंड टेक पैसे दो ये सर्विस लो एंड दैट्स सॉल इज इट बिकम अ सर्विस इंडस्ट्री दीज थिंग्स वी शुड अंडरस्टैंड ये जो चीज़ है ना ये एक बहुत ट्रस्ट का फ्यूशरी रिलेशन है बिकॉज टीचर इज बिल्डिंग दिस नेक्स्ट जनरेशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है हैव फेथ इन स्टूडेंट्स केपेबिलिटी दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टीचर्स को हमेशा स्टूडेंट को उनकी केपेबिलिटीज़ को इंस्पायर करना चाहिए फेथ करना चाहिए एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक अगेन कंपेरिजन इज बैड हर स्टूडेंट यूनिक होता है हर स्टूडेंट एक डिफरेंट लेवल पर होता है तो अगर हम अननेसेसरी कंपेरिजन करते हैं ना तो स्टूडेंट उससे डिमोटिवेट होता है विच शुड भी कम्प्लीटली अवॉइडिड हर स्टूडेंट स्पेशल है उसका अपना स्ट्रेंथ होता है उसकी स्ट्रेंथ को रिकोगनाइज करके ग्रो कराना इट्स अ ड्यूटी ऑफ टीचर पर्सनैलिटी ग्रूम होती है अब देखना आई मेट सो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इतने अच्छे अच्छे टीचर्स से पढ़ने का मौका मिला और वो कहीं ना कहीं अब रिफ्लेक्ट करता है मेरी पर्सनैलिटी में सो so पर्सनैलिटी जो होती है वो ग्रूम टीचर और उनका इन्फ्लुंस वगैरह बहुत होता है इसमें हाइब्रिड जो है ना वो अब जरूरी है कंप्लीटली ऑफलाइन भी हम नहीं जा सकते कंप्लीटली ऑनलाइन भी नहीं जा सकते वी नीड टू फाइंड अडल वे ये बड़ा अच्छा ट्रेड दिया है ईच टीचर एंड आउट विद स्पेशल गिफ्ट ट्रेड्स एंड स्किल्स आप देखना आप जैसे आप ये वीडियो भी सुन रहे हो कही ना कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आई कीपन सेटन थिंग्स वो आप में भी रिफ्लेक्ट होगा गिफ्ट ट्रेट्स स्किल्स डेट दे यूज वाइल टीचिंग और एंगेज करें स्टूडेंट्स को सम वैल्यूज देट आर नॉन नेगोशियबल लाइक टीचर को पंक्चुअलिटी होना चाहिए टीचर को डिसिप्लिन होना चाहिए सिंसियरिटी होना चाहिए तभी तो फिर स्टूडेंट्स भी ये वैल्यू सीखेंगे एंड कम्युनिकेट करें सटली ड्यूरिंग फिजिकल क्लासेस तो ऑनलाइन एजुकेशन में ये कुछ वाइटल एरियाज है जो मिस होते हुए नज़र आए हैं दीज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड टीचिंग एंड स्टूडेंट टीचर एंड जो स्टूडेंट का ये जो स्पेशल बॉन्ड है इसको ब्रेक नहीं करना है सो वेयर इज द पर्सनल टच दिस इज द पर्सनल टच अब एक सवाल आया था वाई इज अ टीचर हेल्ड इन रिगार्ड इन इंडियन सोसाइटी हमारे यहाँ गुरु का बहुत महत्व है उसको बहुत दिस हाई से हम एड्रेस करते हैं इन योर ओपिनियन वॉट शुड बी द आइडियल रोल ऑफ अ टीचर इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट डिस्कस इस सवाल को डिस्कस करिए अब ये सवाल अप्रोच करने के दो आप तरीके कर सकते हो एक तो सोशोलॉजी के एंगल से कर सकते हो दूसरा आप इसमें एथिक्स जीएस पेपर फोर के एंगल से देखो तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन यू हैव गॉट योर क्रिएटिविटी कुछ सही गलत नहीं होता है इसमें जस्ट राइट यू नो यू गाइज आर सो स्मार्ट अगर आपको स्टूडेंट्स को इन जनरल आप बस मोटिवेट करके उनसे किताबें खुलवा के उन्हें पढ़ने बैठा दो वो खुद ही सब सीख जाते हैं दिस इज दिस इज वॉट वी नीड टू डू अंडरस्टैंड एंड दिस सॉल्व दिस क्वेश्चन ओके सॉल्व दिस क्वेश्चन यू विल गेट वेरी गुड इनसाइट्स so this is the second question first question second topic ab aage badhte hain ye hai viral load c vaccination zaruri hai virus ka problem hai health infrastructure augment kare smart instruments zaruri hai livelihood bhi bachana hai hame heart of managing any disaster होता है कि information जो होती है वो reliably आए ट्रस्ट वर्दी वे में आए फ़ेक न्यूज़ नहीं है जैसे कई बार ऐसे पैंडमिक होते हैं तो इससे कई बार जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं वो इस पैंडमिक को कैपिन करने की कोशिश करते हैं मिस यूज़ करते हैं फॉल्स न्यूज़ करेंगे मुनाफाखोरी होगी प्रोफिटरिंग एट्सेट्रा करेंगे ये गलत है इट शुड बी अवॉइडेड ये जो डिज़ास्टर है इसमें गवर्नमेंट को ज़रूरी है फ़ेक न्यूज़ प्रोपोगेंडा एटसट्रा को कर्ब करे और ट्रस्ट वर्दी वे में रिलायबल इन्फॉर्मेशन करे ताकि गवर्नमेंट पे भी हमारा भरोसा हो पाए अदरवाइज क्या होता है लोग गवर्नमेंट की बात को फिर सीरियसली लेते नहीं है लॉकडाउन करें देमसेल्स कैन नॉट इरेज द पैंडमिक लॉकडाउन जो है वो सॉल्यूशन नहीं है लास्ट ऑप्शन होना चाहिए बट कई बार लॉकडाउन से हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है तो दिस इज ऑल्सो एसेंशियल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज रिक्वायर्ड जितना हमारा सेंटर कर रहा है स्टेट्स कर रहे हैं एवरी सिंगल होल्डर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज रिक्वायर्ड वो कहते हैं ना एक चेन उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना उसका वीकेस्ट लिंक होता है वीकेस्ट वीकेस्ट लिंक लिंक एक जो टूटेगा पूरी चेन टूट जाएगी सो चेन इज ओनली दैट स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक तो एवरीबडी फेडरलिज्म लॉकडाउन कई बार एफिशिएंट होता है इसको ज्यादा एफिशिएंट बनाना चाहिए और इकोनॉमिक डैमेज को मिनिमम रखना चाहिए ये रेगुलर टॉक्स है वायरल लोड सेकेंड है ग्रीन पार्टनरशिप यहाँ बात है क्लाइमेट क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 अभी इसका वर्चुअल मीट हुआ था पार्टनरशिप यूएस और इंडिया का कन्वर्जेंस हो रहा है क्लाइमेट पोस्ट पैंडमिक डेवलपमेंट कैसे करें टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल कोऑपरेशन होना जरूरी है कार्बन एमिशन की अभी कुछ दिन से हम आर्टिकल पढ़ रहे थे नेट न्यूट्रैलिटी कि जितना कार्बन एमिट किया उतना ही कंज्यूम कर लो तो देट इज इक्वल टू जीरो इंडिया बोल रहा है इसमें जो पुराना एमिशन हुआ है उसको भी फैक्टर इन करो वाइल काउंटिंग दिस कार्बन इमिजन नेट न्यूट्रैलिटी और पर कैपिटा भी देखो तो दिस इज कार्बन एमिशन इंडिया अभी रैंक थर्ड है बिहाइंड यूएस एंड चाइना अगर टोटल कार्बन एमिशन देखें पर पर कैपिटा हमारा बहुत कम है और पिछले 100-200 साल का भी अगर हम इंक्लूड करके देखें तो हमारा काफी कम है कार्बन एमिशन यूरोपियन यूएस इन्होंने तो पिछले 200 साल से कंटिन्यूस कार्बन एमिशन करके डेवलप्ड कंट्रीज बन गए और अब ये बोलते हैं कि यू स्टॉप दिस कार्बन स्विच टू ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी We are ready for that, but that will need technology and financial cooperation. अब 2007 में रिसेशन आया उसके तुरंत बाउंस बैक हुआ कार्बन एमिशन शूट हो गया कोविड कोविड-19 आया तो अब क्या होगा इसीलिए 2020 से 2030 का ये विंडो इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा पार्टनरशिप स्केल अप करें फंडिंग पैसे की जरूरत होती है बिना पैसे के काम होता नहीं है फंडिंग चाहिए इनोवेशन ये सोलर पैनल वगैरह कितने कॉस्टली है इनोवेशन हेल्प कंट्रीज को मूव करें क्लोजर ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग को दो डिग्री या डेढ़ डिग्री तक अंदर बांध के रखें ये पेरिस अग्रीमेंट में हमने बोला था तो वी विल डू इट हम आईएनडीसी भी है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइन कॉपोरेशन बताइए इसमें कंट्रीब्यूशन में इंडिया ने क्या क्या बोला है आईएनडीसी में कुछ ही दिन पहले पढ़ा है दिस इज इंपॉर्टेंट हम डी करें इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग एमिटर जो हैं जो ज़्यादा बड़े बड़े टिकट्स हैं ना ज़्यादा एमिट करते हैं उनको पहले टारगेट करके करेक्ट करें और इन सबके लिए हमें ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत पड़ेगी एंड एवर लीडरशिप एंड द स्टोरी ऑफ अ नेशन सी ये हमने 31 अक्टूबर को पढ़ा था गांधी जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी इनके बारे में अब सी हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है पेपर वन में कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया कुछ टाइम पहले हमने हिंदी में सारे प्रधानमंत्रियों की लिस्ट भी देखी थी जब हमें पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ना है ना तो इसका सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है इसमें जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए ना उनके बारे में आप पढ़ लो तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया अपने आप ही कवर हो जाता है जिससे पहले आप जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ो इन्होंने क्या काम किया क्या वर्क था फिलोसफी क्या थी शॉर्ट कमिंग्स किया थी ये सारी चीज़ें आपका ये पूरा फेस इनके पहले दो तीन टर्म के पूरे कंप्लीट हो गए नाइनटीन देन लाल बहादुर शास्त्री जी का पढ़ लो फिर आओ इंदिरा गांधी जी का फिर इनकी हाईलाइट्स आप देखो कि जैसे सिक्सटी में फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी सिक्सटी सेवन में इकोनॉमिक स्टेगनेशन था अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन था तो आपने डिवेलुएशन ऑफ रुपी किया अब देखिए ये वर्ड क्या है डी वैल्यू मतलब हमने खुद ही रुपी को से पचास से पचहत्तर बना दिया और डेप्रिशिएट होना मतलब मार्केट फोर्स के कारण वो पचहत्तर से सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन जा रहा है तो यहाँ हमने डिवेल्यूएशन ऑफ रुपी किया बैंक नेशनलाइजेशन किया गरीबी हटाओ सेवेंटी वन में इंडो पाक बांग्लादेश लिबरेशन इसको भी यहाँ देखते हैं इमरजेंसी लगी जिसपे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इलेक्शन लूज ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ दिस शक्ति स्थल इनका मेमोरियल है तो ये इनके पूरे काम है अब इस पूरे ड्यूरेशन को आप देखो ना जैसे 66 से अब 84 तक का ड्यूरेशन देखो तो आप रीड अबाउट रीड अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड यू विल कवर दिस पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया साइमल्टेनियसली सो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी हमने पहले भी ये सवाल किया था इफ़ यू आर न्यू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन प्रिपेयर अ नोट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई इंदिरा गांधी जी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा है एम के नारायण साहब ने दिस इज फॉर्मर डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो चेयरमैन अब ये बोलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया मेंन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ट्रैक द वर्क ऑफ पी एम में इंदिरा गांधी जी और इनका हाईलाइट नाइनटीन सेवनटी वन ये जो सेवनटी वन का वॉर था ना ये हमने डिप्लोमेटिक लेवल पे भी लड़ा और मिलिट्री लेवल पे भी डिप्लोमैटिक मतलब जैसे पाकिस्तान है ये पाकिस्तान बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी साइन कर रखा था यूरोप से वेस्ट अमेरिका वगैरह से तो हमने डिप्लोमेटिकली भी यहाँ पे खुद को सेव किया यूएस ने अपनी वॉरशिप भेज दी थी हमने वो देखा इसके जस्ट पहले हमने रशिया के साथ फ्रेंडशिप का एक ट्रीटी साइन किया तो डिप्लोमेटिकली कोई भी बड़ा काम करना होता है ना तो पहले उसके लिए ग्राउंड रेडी करना पड़ता है ताकि वो आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओ एक पब्लिक ओपिनियन बनाओ फैसिलिटेट करो उसे ताकि वो इवेंट हो फिर हमने मिलिट्री का काम किया क्योंकि डिप्लोमेसी है सॉफ्ट पावर है बट साथ ही साथ एक हार्ड पावर भी चाहिए मिलिट्री इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए इसमें जनरल सैम मानिक शाह बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर एस एस बी स्टूडेंट रीड अबाउट दैम एज मच एज यू कैन जनरल सैम मानिक शाह इनको पहले बोला गया कि क्यों ना हम मानसून का टाइम था तभी फ्रंट ओपन कर दें बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स तो तब भी थी बट इन्होंने कहा दिस इज़ नॉट द टाइम लेट्स वेट फॉर दिस मॉनसून टू गेट ओवर एंड फ्रंट हम टूवर्ड्स विंटर ओपन करते हैं तब तक हम अपनी स्ट्रैटेजी बना लेंगे फोर्सेज रेडी कर लेंगे और जो वॉर होगी वो बहुत स्विफ्ट होगी तो वॉर जीती बाद में जाती है पहले उसको प्लान किया जाता है ऑन दिस फील्ड तो केवल एग्जीक्यूट करना है प्लानिंग पहले से होनी चाहिए तो वॉर मतलब ब्रेन भी चाहिए और देन दिस मसल पावर तो चाहिए तो ब्रेन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू गो टू एस एस बी स्पेशली अभी वॉरफेयर इतना चेंज हो गया है तो इट इज नॉट अबाउट मसल पावर ओनली मसल पावर ओनली कि मतलब जैसे आप देखो आप मसल पावर इज नॉट एवरीथिंग ब्रेन भी होना चाहिए स्पेशली ऑफिसर्स में ब्रेन ब्रेन होना बहुत जरूरी है जनरल सैम माने जाओ कि वो सोच सकता है वो क्रिटिकली इवेल्युएट कर सकता है वो डिसीजन ले सकता है ये क्वालिटीज ऑफिसर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस में आईबी और रॉ ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अब सी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस मतलब इंफॉर्मेशन है नॉलेज है उसी के हिसाब से तो आप एग्जीक्यूट करोगे प्लान तो आईबी और रॉ का भी एग्जाम्पलरी रोल था तो ये जो 1971 का जो पूरा इवेंट हुआ बांग्लादेश को लिबरेशन मिला हमने बांग्लादेश मतलब ये था पहले ईस्ट पाकिस्तान ये था वेस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान फिर बाद में पाकिस्तान ओनली और ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश ये भी हमने पढ़ा था अभी डे 89 पे थर्टियथ ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी काफी डिटेल में हमने देखा शेख मुजीबुर रहमान जी ये बांग्लादेश है फिफ्टी ईयर्स ऑफ बांग्लादेश अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी विजिट किया डिफेंस बॉर्डर एटसेट्रा हमने चीजें देखा है स्वेज कैनाल भी पड़ा था ये दो टॉपिक देखे थे थर्टीएथ को तो दिंग इज की वी नीड कलेक्टिव एफर्ट्स डिप्लोमैटिक मिलिट्री पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सिविल सेगमेंट सब एक साथ अगर काम करते हैं तो सक्सेस मिलती है We swim together, we सिंक together. We swim together, we सिंक together. ये एसिड टेस्ट था नाइनटीन हमारा हाईलाइट भी था इन सब चीजों का इसी का अभी हमें कोविड 19 विक्ट्री में भी हमें कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ वाला वो अगर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, वो इन्फेक्ट होगा कहीं ना कहीं फिर आप भी इन्फेक्ट हो जाओगे सो अंडरस्टैंड दिस थिंग एवरीबडी टू पुट दिस कलेक्टिव एफर्ट एज अ नेशन वी स्विम एंडिया नहीं करना है और वन का मतलब नंबर वन बनाना भी होता है ओके सो दिस इज एंड लीडरशिप एंड द स्टोरी ऑफ अ नेशन द रोड इन इंडिया अगेन रेगुलर टॉक है वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी कितना गवर्नमेंट ने फोर्स किया गो गेट वैक्सीनेटेड गो गेट वैक्सीनेटेड लुक एट द नंबर आगे इंडियन एक्सप्रेस में भी दिया है जिसको वैक्सीनेशन लगी है उसमें अगर कोविड हो भी गया ना तो वो बहुत माइल्ड होता है तो हम इस जो डिजास्टर अभी हो रहा है हमारा हम इसको अवॉइड कर सकते थे गो गेट वैक्सीनेटेड और उस टाइम पे हमारे पास सफिशेंट स्टॉक भी अवेलेबल थे अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन बट अभी भी हम संभाल सकते हैं चीजें लेट्स फर्स्ट बैटल दिस पेंडेमिक वेव जो अभी है इसको बैटल करें और उसके बाद अभी फर्स्ट ऑफ मे से वैक्सीनेशन ओपन हो रही है गो गेट वैक्सीनेटेड रोड अहेड इन इंडियाज ऑगमेंटेड वैक्सीनेशन ड्राइव और वैक्सीनेशन के बाद भी गार्ड्स ड्रॉप नहीं कर रहे आपको नहीं होगा कोविड बट आप एक कैरियर बन सकते हो सो so, एवरीबडी बहुत सारे इस टाइम पे टीन एंड ऑल ने मास्क नहीं पहना ये नहीं किया कि बिकॉज दे उनको कोविड होगा नहीं आपको नहीं होगा बट आप उसको फैला सकते हो सो यू हैव टू दिस बी कोविड कोविड के लिए एक्ट रेस्पॉन्सिबल अ केस फॉर जुडिशियल फेडरलिज्म यहाँ भी रेगुलर बात है जुडिशरी को डिसेंट्रलाइज करें तो बेटर होगा ऑटोनॉमी होना भी ज़रूरी है दूसरी एक और चीज़ काफ़ी न्यूज़ में है अभी जुडिशियल एक्टिविज्म हम प्रीवियस सी का आर्टिकल देख रहे थे बुबड़े साहब का कई बार क्रिटिसिज्म हुआ कि जुडिशियल एक्टिविज़म क्या ज़्यादा है या कम है जुडिशल एक्टिविज़म का मतलब ये होता है कि जो लॉ है एक्ट है नियम है जुडिशरी बेसिकली गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो लिबर्टी पूर्वक इंटरप्रेट कर रही है जैसे आर्टिकल ट्वेंटी उसके तहत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर लेके वो गवर्नमेंट के काम में इंटरवीन कर रही है दैट इज दिस जुडिशियल एक्टिविज्म एक हद तक सही है बट अगर ज्यादा होता है तो ये जुडिशियल ओवर रीच हो जाता है अ केस फॉर जुडिशियल फेडरलिज्म नीड फॉर यूनिफॉर्म जुडिशियल ऑर्डर एंड अनवॉर इन कोविड नाइनटीन रिलेटेड केसेस जैसे जुडिशरी ने कुछ जगह लॉकडाउन लगाया उसका चैलेंज हो गया तो ये मतलब एक बहुत फाइन बैलेंस होता है डिफरेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में एंड ऑटोनॉमी इज रिक्वायर्ड फेलिंग टू प्रिपेयर इज टू फेल अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो यू शुड प्रिपेयर टू फेल जर्नलिज्म की यहाँ बात है रीडर्स एडिटोरियल है एटीट्यूड फॉर्मेशन में एथिक्स में हम क्या देखते हैं ए बी सी ऑफ एक्टिव बिहेवियर एंड कॉगनेटिव कोई बात अगर आप जिस पर्सन पे भरोसा करते हो वो आपको कोई बात बोलेगा तो आप उसकी बात मानोगे अगर किसी पर्सन का से ट्रस्ट नहीं है वहाँ पे, और यू डोंट लुक एट लाइक उसकी बात नहीं मानोगे तो वो अगर कुछ बोलेगा तो आप अनसुनी कर दोगे हमारे यहाँ जो जर्नलिज़्म है मीडिया है ये रेपुटेशन इतना ख़राब हो गया है कि रेपूटेशन ख़राब होने के कारण हम मीडिया की जो न्यूज़ होती है इसको कई बार सीरियसली लेते नहीं हैं विच इज़ रॉन्ग गवर्नमेंट कई बार जो डेटा देती है तो गवर्नमेंट पे मिसट्रस्ट होता है तो हम गवर्नमेंट की बात को सीरियसली मानते नहीं है विच इज अगेन विच इज अगेन नॉट गुड इन ओवरऑल पिक्चर ऑफ गवर्नेंस एटीट्यूड फॉर्मेशन और स्पेशली जो मैसेज है तो उसमें जो सेंडर कौन है ये भी बहुत मैटर करता है तो सेंडर वो होना चाहिए जो एक क्रेडिट हो जिसका क्रेडिट वर्दी हो क्रेडिटेबल क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हो जर्नलिज्म का काम होता है एक्यूरेट पिक्चर प्रेजेंट करना उसको टेलर मेड नहीं बनाना कलर नहीं करना डिस्टॉर्ट नहीं करना अननेसेसरी सेंसेशनलाइज नहीं करना सेंसेशनलाइज हमारे यहाँ जैसे ये चल गया है ट्रेंड कि नेगेटिव बिकता है या फिर सेंसेशनलाइज बनाओ टू गेट टू आर पी एटसेट्रा विच शुड बी अवॉइडेड अदरवाइज क्या होता है ट्रस्ट चला जाता है आइडिया ऑफ जर्नलिज्म इज टू फंक्शन एज एन इंटीग्रल एस्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एम्पावर करे सिटीजन्स को क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दें ट्रस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को गेन करें दिस इज एडिटोरियल इसराइल सीरिया इसराइल इन सीरिया दे फाइटिंग ईरान इज ऑल्सो फाइटिंग यमन क्राइसिस आगे देखेंगे दैन नो वॉल्टियर लिस्ट अंडर साइबर स्कीम यह एक स्कीम आई थी यह एक स्कीम आई थी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा था वो ऐसे कुछ वॉल्टियर ढूंढेंगे जो साइबर एक्टिविटीज़ पे एक नजर रख के रखेंगे वो वॉर्न कर देंगे कि यहाँ पे फेक न्यूज़ है या फिर फैक्ट चेक इस टाइप से साइबर क्राइम ग्रेवेंस पोर्टल बनेगा और एक ग्रुप ऑफ साइबर क्राइम वॉल्टियर होगा जो अनलॉफुल कंटेंट पे चेक रखने में हेल्प करेंगे बट अभी ये लिस्ट अपडेटेड नहीं है और जो साइबर और क्राइम्स एट्सट्रा होता है वो स्टेट सब्जेक्ट भी होता है वॉल्टियर्स स्टेट सब्जेक्ट पुलिसिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट लेटेस्ट सी सेवेंथ शेड्यूल में अभी फिलहाल के लिए नो वॉल्टियर लिस्ट अंडर साइबर क्राइम साइबर क्राइम स्कीम इसमें क्रिटिसिज्म यह हुआ था कि क्या हम कल्चर ऑफ सर्वेलेंस तो नहीं बना रहे हैं सर्वेलैंस की मतलब ये वॉल्टियर है क्या गारंटी है कि ये प्रिजुडाइज नहीं है ये बायस नहीं है ये फ्लैग अन अपना पॉलिटिकल बायस में चीजों को फ्लैग तो नहीं कर देगा तो कल्चर ऑफ सर्वेलेंस तो हम प्रमोट नहीं कर रहे ये एक सवाल है देन जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पासिसगेशन यूएस एस टू अलाउ इंडिया एक्सेस वैक्सीनेशन इग्नोर रूमर्स ऑन वैक्सीनेशन पी एम केयर ऑफ फंड फाइव फाइव वन से ऑक्सीजन प्लांट्स मिलेंगे हॉस्पिटल्स को ओडिशा जी पी एस टैग कर रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बिकॉज इनका स्टील भी हो रहा है ये ऐसे करके क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर आ रहे हैं एयरबेस वेस्ट बंगाल में क्रायोजेनिक का क्या मतलब होता है देन दिस इज रेलवे जैसे गैटिंग वैक्सीन ऑक्सीजन एक्सप्रेस ये है आंसर सी वैक्सीनेशन जरूरी है वैक्सीनेशन के बाद भी जो कोविड प्रोटोकॉल है वो फॉलो करने हैं गेट फिट विद द स्टार्स घर पे ही आप होम वर्कआउट करिए नोवेल ऑफ एक्ट और दिस इज टू इन 1951 ये यमन है रिबेल्स एडवास ऑन मारिब यमन में ना जो ईरान बेस्ड जो रिबेल ग्रुप है ये जीत रहे हैं और सऊदी जो इनकी गवर्नमेंट को बैक कर रही थी हाडी गवर्नमेंट ये पिट रहे हैं तो सऊदी और ईरान भी अभी इराक में इनकी एक मीटिंग हुई थी दे आर ट्राइंग टू फाइंड दिस ट्रूस ट्रूस कुछ समथिंग तो एक्चुअली यमन में फाइटिंग इज दिस बिटवीन सऊदी एंड ईरान और ये लोग हैं प्रोजी प्रॉगजी हैं दिस यमन रिबल्स एंड दिस गवर्नमेंट और यहाँ पे अभी डिसीज़न आ सकता है एक और दूसरी न्यूज़ है वो है अर्मेनिया का सी ये आर्मेनिया है ये तुर्की है ये इस्तानबुल है अभी कुछ ही दिन पहले हमने ब्लैक सी सी ऑफ अजोव ये सब पढ़ा था मैपिंग में ये कौन सी स्ट्रेट है स्ट्रेट का नाम बताइए ये भी हमने पढ़ा था मेडिटेरेनियन से स्ट्रेट डार्डनल्स और ये सारा आंसर ब्लैक सी से यहाँ आते वक्त कौन कौन सी स्ट्रेट्स पड़ती है स्ट्रेट मतलब नैरो वाटर बॉडी जो कनेक्ट कर रही है टू वाटर बॉडीज को दैट इज स्ट्रेट तो ये आर्मेनियन जेनोसाइड है अर्मेनियम जेनोसाइड जेनोसाइड का क्या मतलब होता है जेनोसाइड मतलब आर्टिकल टू ऑफ यू कन्वेंशन जेनोसाइड का मतलब होता है कैरिंग आउट एक्ट इंटेंडेड टू डिस्ट्रॉय खत्म करना इन होल पूरा या पार्ट में किसी नेशनल एथनिक रेशियल या रिलीजियस ग्रुप को तो वो सिस्टमेटिक अगर किलिंग हो रही है किसी नेशनल एथनिक रेशियल या फिर रिलीजियस ग्रुप की सो दैट इज जेनोसाइड जैसे कि हिटलर ने किया था नाजिज्म जूश जेनोसाइड ऐसे ही एक जेनोसाइड हुआ था अर्मेनियंस का अर्मेनियंस का बाय बाय टर्की तो टर्की तो नाटो वाला ही है नाटो मतलब यूएसए तो यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प भी हमेशा इस बात को ऑफिशियली नहीं माना था कि अर्मेनिया में जेनोसाइड हुआ था 1915 वर्ल्ड वॉर वन के इसमें वर्ल्ड वॉर का जो पीडीएफ शेयर किया है ना मैं उसका एक कंबाइंड पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा ओके सारे चैप्टर्स एक साथ मिला के अर्मेनियम जेनोसाइड मैसा हुआ डिपोर्टेशन एंड फ्लाइट रूट्स तो अब जो जो बाइडेन आए हैं उन्होंने बोला ये 1915 में टर्किश ने मिलियंस ऑफ दिस दिसमेनियंस को किल किया था इसको हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं को 1.5 मिलियन दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन मतलब टर्किश ओटोमन एम्पायर तो ये बड़ा न्यूज है बिकॉज टर्की इज नाटो अलाई लेटेस्ट ऑल दो नाटो अलाई है बट यूएसए और टर्की में काफी डिफरेंसेज क्रिएट हो रहे हैं फॉर पॉस्ट सम टाइम

तभी बोलते हैं बहुत जल्दी ना सफलता की खुशी नहीं मनानी चाहिए इफ यू रिमेंबर एक मैच हुआ था बांग्लादेश का और इंडिया का तो मतलब बांग्लादेश ऑलमोस्ट जीत गया था नाम याद नहीं आ रहा है समटाइम्स बैक ये हुआ था मैच हुआ था बांग्लादेश ऑलमोस्ट वॉन दैट मैच एक दो बॉल ही बची थी दे जस्ट वॉन दैट मैच ऑलमोस्ट वॉन दैट मैच बट आखिर में वो कुछ रनआउट कर दिया धोनी ने और इंडिया जीत गया सो दिस इज द पॉइंट बहुत जल्दी दिस सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए हमने कोविड में यही गलती की कोविड के, के केसेस कम हो गए थे फेब मार्च में हमने लगा हम जीत गए बट सी स्टेट आफ्टर स्टेट हमने ये पहले भी किया था लास्ट ईयर पूरा साल हमने इसकी बात किया है कि ट्रेन को ऐसे बनाए ऑगमेंट करें लोगों को इनक्रेज करें ये करें बट मार्च अप्रैल में तो हम सब चीज़ भूल के ऐसे सेलिब्रेट करने लग गए कि कोविड कभी था ही नहीं नाउ सी स्टेट आफ्टर स्टेट शटडाउन स्पेशल कोविड सेंटर जस्ट बिफोर सेकेंड वेव और उसका कॉस्ट अभी हमको पे करना पड़ रहा है और इसमें कोई एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है इफ यू लुक इंट्रोस्पेक्ट करे ना एवरी इज इक्वली रेस्पॉन्सिबल दिस जो भी वेव आ रही है नेशन शेकन है ट्रू नेशन इज शन सेकेंड सर्ज अब देखिए ये अभी भी तो खाली हुए घाट पहले ही करते तो हम कॉस्ट कम पे करना पड़ता ना इतना इनोसेंट लाइव नहीं जाती देन दिस इज माइनिंग विलेजेस रानीगंज दिस इज नॉट एट ऑल गुड सेंटर शॉर्ट स्टेट ऑफ डिस्ट्रस वेर वी वेंट रॉन्ग्रिज सेंस ऑफ्रिज प्रस लिख दिया प्रसा खुश हो गए पढ़ना बंद कर दिया मेन्स पास हो गए खुश हो गए इंटरव्यू आ गया इंटरव्यू भी देख दिया अब होप लगा के बैठे हैं कि लिस्ट में नाम आ जाएगा बाय द वे नहीं आया देन वॉट प्रिपेयर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट वरना आगे की पूरी साइकिल कॉम्प्रोमाइज हो जाती है

सारे गार्ड सोशल गैदरिंग हो रही है हाउस पार्टीज हो रही है दिस इज द प्रॉब्लम भूटान ने अच्छे से काम किया अनयूज वैक्सीनेशन स्टॉक पाइल यूएस को देना चाहिए अदरवाइज दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग एथिकली यूएस बहुत गलत होगा अगर वो आज इंडिया की हेल्प नहीं करता है हमें आज जरूरत है ऑक्सीजन दो हमें आज जरूरत है वैक्सीनेशन दो आपके पास अनयूज स्टॉक पाइल है सेंड इट और आज करो दो हफ्ते बाद करोगे देन इट्स नो स्टिच इन टाइम अभी अभी जरूरत है हॉस्पिटल फायर इंडोनेशियन सबमरीन मरीन यहाँ पे क्रैक्ड ओपन पार्शली सॉल्व वैक्सीनेशन सपोर्ट करती है रिकवरी अनसर्टेनिटी है ना एटलीस्ट कुछ नहीं होगा तो वर्स्ट से तो बचा लेगी वैक्सीनेशन सो गो गेट वैक्सीनेटेड देन एसेंशियल लिस्ट ओ एन जी सी ओके सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस नाउ ये एक सवाल भी दिया था नरसिम्हन समिति का इसका क्विकली हम हिंदी में देखते हैं नरसिम्हन जी अभी ही पास अवे बहुत इंपॉर्टेंट इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है बैंकिंग रिफॉर्म्स में नाइन हमने बैंक का नेशनलाइजेशन किया था उसके बाद आए थे ये बैंकिंग रिफॉर्म्स तो 1991 में रिपोर्ट आई फोर स्तरीय फोर टीयर बैंकिंग संरचना बनाने की सिफारिश की गई जिसमें तीन बड़े बैंक होंगे जो टॉप में तो कंसोलिडेशन ऑफ बैंक के बारे में कहा बैंकिंग जो होती है वो ग्रास रूट तक जानी चाहिए इसलिए स्थानीय क्षेत्र के बैंक ग्रामीण क्षेत्र केंद्रित बैंक इस अवधारणा को इन्होंने प्रमोट किया बहुत ज्यादा लिक्विडिटी की रिस्ट्रिक्शंस होती थी बैंक्स के पास फ्री मनी नहीं होता था तो अनिवार्य बॉन्ड निवेश या फिर नकद आरक्षित सीमा स्टैशरी लिक्विडिटी रेशियो एक्सेट्रा इन सब को इन्होंने कम करने की कोशिश किया ताकि बैंक जो है अर्थव्यवस्था की अन्य उत्पादक जरूरतों के लिए ऋण देने में सक्षम हो बैंक बेसिकली करता क्या है आपको पैसे की जरूरत है आप बैंक जाओ बैंक आपको सौ रुपये दे, दे देगा रेट लगाएगा आठ परसेंट सौ रुपये में आठ रुपए आपसे कमाए अब बैंक क्या करेगा इसको बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करेंगे ओके पैसे डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बोलेगा आपको हम फोर परसेंट दे देंगे किस में सेविंग डिपॉजिट में अब ये जो डिफरेंस हुआ ना इससे बैंक अपना ऑपरेट करता है मुनाफा कमाता है ऐसा कि लोगों से पैसे लिए और उस पैसे का इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूटिलाइजेशन किया इकोनॉमिक ग्रोथ किया और जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है ये काफ़ी आसान भाषा में ये जो होता है वो होता है बैंक ऐसे करके ऑपरेट करता है तो बैंक के पास लिक्विडिटी होनी चाहिए ताकि वो ऋण दे पाए कैपिटल एडिकेसी रेशो पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी इसको कम किया गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का वर्गीकरण किया और एन जो होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में एटसेट्रा बैड लोन्स है इसके लिए आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाओ इन सब की बात किया इन्होंने तभी इसे बोलते हैं बैंकिंग रिफॉर्म्स ओके अभी हम बहुत क्विकली ब्रीफ में देख रहे हैं आपने आंसर्स लिखे हैं दे आर रियली रियली गुड ओके पर आंसर्स आप लिखते हो ना यू आर डूइंग वेरी गुड हमें कॉम्पीट करना चाहिए मतलब जहाँ जो अच्छी चीज मिल रही है आप उससे सीखो बट ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को कम मानो ऐसा कोई करेक्ट राइट और रॉन्ग नहीं होता है हर आंसर करेक्ट है अपना वैल्यू में ओके सो जस्ट ट्राई टू गेट बेटर एंड बेटर अननेसेसरी कंपटीशन से क्या होगा आप डिस्करेज होगे अब कोई एक पर्सन है वो बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है तो उसने वो अर्न किया है काफ़ी मेहनत किया है इतने टाइम से रेगुलर है पढ़ाई किया ऐसा किया तब जाके वो स्टेज हुआ आप आज आज ही आए हो पहले दिन में ही आप सोचते हो आप इधर बराबरी करोगे ऑब्वियसली विल फील डिस्करेज डोंट डू दिस आप जस्ट अपना स्टेप बाय स्टेप करते जाओ विद इन थर्टी डेज भी अगर आपने डेली प्रैक्टिस किया ना तो आपका लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा दिस इज अ चैलेंज डू दिस रेट्स खराब रिंड को दिस एआरसी okay? तो इसको भी एक बार आप देखना सेक्टर समिति बनाए बैंकिंग सुधार समिति की प्रगति की समीक्षा करें वित्तीय प्रणाली फाइनेंस सिस्टम को मजबूत करें और पूंजी पर्याप्त हो दिस पर्याप्त लिक्विडिटी हो बैंकों के विलय मर्जर की बात किया बैंक कानून पे विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए तो दिस इज नरसिम्हम कमिटी बैंकिंग रिफॉर्म सी सेट। सी सेट में भी दो चीज है एक चीज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो जो इंग्लिश वगैरह लिखा हुआ है के लिए ही हमने इतनी सारी एनसीआर बोल बोल के ऐसे समझ समझ के पढ़ी है ताकि आर सी बेटर हो डू दिस एक बार आप खुद से भी पढ़ो इसका कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रीड कर रहे हो ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेकेंड जो पार्ट होता है उसमें एप्टीट्यूड में मैथ्स लॉजिकल वर्बल एटसेट्रा रीजनिंग तो उसके हम तीन क्वेश्चन डेली देख रहे हैं बी रेगुलर विद इन अ मंथ हम बहुत सारा पोर्शन यहाँ पे भी कंप्लीट कर लेंगे फाइन और सेपरेट सीरीज भी हम करेंगे जस्ट गिव मी सम टाइम अभी इस कोविड ने बहुत सारी इक्वेशंस बदल दी है ओके टोटल वेट इंक्रीज एट इंटू टू पॉइंट फाइव ट्वेंटी के जी अब इसमें क्या था एक पर्सन गया नया पर्सन आया टोटल वेट बढ़ गया इतना तो टोटल कितना वेट इंक्रीज हुआ ढाई किलो कितने लोगों का आठ तो टोटल नया पर्सन कितना वेट आया बीस किलो और पुराना पर्सन जो गया था उसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा तो बीस प्लस पैंसठ एट्टी फाइव सम ऑफ प्रेजेंट एज निकालिए यू दिस एच इज दैट पर्सन वाइफ एंड चिल्ड्रन मैन वाइफ एंड चिल्ड्रन प्रेजेंट एज का टोटल नाइन्टी है सम ऑफ प्रेजेंट वाइफ और चिल्ड्रन का फिफ्टी है मतलब मैन की एज कितनी होगी नब्बे माइनस पचास दैट इज चालीस

यहाँ पे क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी वन थर्टी फाइव है ए प्लस बी एटी है बी प्लस सी ये है. इन दोनों को ऐड करो तो ये आ गया या टू बी है एक वाला ये हटा दो बी इज इक्वल टू थर्टी वन ओके सी सेट में बहुत हमें केयरफुली करना है पहले आप सिक्सटी सिक्स लाओ पूरा दो घंटे विद फुल कॉन्सेंट्रेशन पेपर सॉल्व करो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत ईजिली क्वालिफाई कर जाओगे आप ओके बट द पॉइंट इज बी

30 मिनट में वो कितने बार एक साथ ये छह की छह बेल ने एक साथ यहाँ पे टोल किया होगा आंसर प्रोडक्ट है दो नंबर का 4107 वन है 37 तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है आंसर सो दीज आर थ्री क्वेश्चंस फॉर टुडे ओके आंसर डू इट एवरी डे देन दिस इज सॉल्यूशन और दिस इज नर्सिमन कमिटी और पता है क्या होता है जब हम अपना काम शेयर करते हैं ना तो उससे मोटिवेशन आता है कोई पर्सन आपको इंटरेक्ट कर रहा है वो उसमें लिखेगा फिर आप भी रिप्लाई करोगे इससे ना क्या मोटिवेशन आता है और आप देखना रेगुलरिटी आ जाएगी पंक्चुअलिटी आ जाएगी सो नेवर बी शाइड कि अपना वर्क शेयर नहीं कर रहे फ्रीली शेयर करिए पीपल विल अप्रिशिएट दैट देन यमन है आप जो भी आंसर लिख रहे हो ना शेयर इट वेबसाइट में आपको जाना है तो सृजन इंडिया डॉट वन है डिस्कस से वो कनेक्टेड है आप डिस्कस उसमें क्लिक करो

This is uh, 26th of April 2021 thank you so much for watching this video take care study well and be safe